अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। आज वैसे रमज़ान की याद आ रही है, दिल चाह रहा था सबका कि पकौड़े खाने का, तो मैंने चलो शाम में पकौड़े बनाते हैं। तो प्याज काट रही हूँ, साथ साथ मैं ज़्यादा प्याज काट रही हूँ क्योंकि अब दाल चावल तो बना लिए हैं। आज दिल था दाल चावल खाने का, तो दाल चावल तो बन गए हैं, बस सालन बनाया है चिकन का। तो आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से सालन बनाऊँगी, तो मैं प्याज जो है उसके साथ साथ पकौड़े के मसाले के साथ साथ काट रही हूँ ताकि एक साथ ही काम हो जाए। आज अम्मी को थोड़ा आराम दिया है ना, आज कल अम्मी ने निहारी बनाई थी, आज मैं खाना बनाती हूँ, आप बनाओ। तो बस ये प्याज काट लेंगे, साथ में आलू भी मैंने छील के इसमें डाल दिए पानी में। अच्छा, पानी में डालने से ये होता है कि आलू का कलर ख़राब नहीं होता, और प्याज है उसमें, प्याज काटने से इतने आंसू निकलते हैं, मेरे तो बहुत आंसू निकलते हैं, तो मैं प्याज काट के पानी में डाल देती हूँ ताकि कोई मसला ना हो। उषा मैच देख रही थी, सो रही थी, सोने का टाइम है, अभी तो सो के उठी थी, नाश्ता किया, सब कुछ किया था, अभी खेला है, फिर सो गई। छुट्टी है, जब भी उषा को इतनी नींद आ रही है, बस मंडे से स्कूल स्टार्ट है। चलिए जब मैं चीज़ें काटती हूँ, फिर मसाला बनाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। अब पकौड़े का मसाला बना के रख दिया है, सोडा डाला है ताकि थोड़ा सा वो फूल जाए, उसके बाद पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। प्याज और ये सब चीज़ें भी काट ली थी। अब नेल पॉलिश लगाई हुई थी मैंने, तो मैंने नेल पॉलिश रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि नमाज़ नहीं होती नेल पॉलिश के साथ। तो ये ग्लैमरस फेस का है, वाइप्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, ये आप ले लेना तो आपके बड़े काम, बड़ा काम आने वाला है। तो ये एक वाइप जो है ना, वो इनफ होता है पूरे हाथों के लिए। तो चले मैं ये करती हूँ, अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद 5-10 मिनट बाद मैं पकौड़े बनाऊँगी। ये आलू काट के धो के मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और यहाँ देखिए मैं ऑयल डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें पहले आलू के पकौड़े बनाऊंगी, कि हर घर में होता है, ये लाजमी है कि कुछ लोग आलू के शौक से खाते हैं, कुछ प्याज वाले खाते हैं। तो मेरी जो बहन है छोटी और मेरे बच्चे, उनको आलू के पसंद है, तो मैं उनके लिए आलू के बना रही हूँ, और अम्मी जो हैं वो प्याज वाले शौक से खाती हैं, तो उनके लिए प्याज वाले पकौड़े बनेंगे। तो चलिए मैं इसको डालती हूँ, ये आलू के पकौड़े बस होने वाले हैं। अच्छा, इन लोग को ना बहुत ज़्यादा हैवी कोटिंग नहीं पसंद, बहुत बिल्कुल हल्की सी कोटिंग इन लोग को चाहिए होती है। तो बस आलू के पकौड़े बन रहे हैं, मैंने मसाले में वही चीज़ डाली है जो नॉर्मली हर घर में डाले जाते हैं, चाट मसाला, नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और सोडा तो लाजमी डलता है। इसके अलावा काली मिर्च डाली है और चाट मसाला, चाट मसाला से बड़ा टेस्ट मज़े का लगता है। अब ये मज़े के आलू के पकौड़े तो बन गए हैं, अब इसमें मैंने प्याज वाले पकौड़े डाल दिए हैं। प्याज वाले पकौड़े में ना इस तरह प्याज नज़र आते हैं ना, और बहुत ज़्यादा प्याज जली हुई होती है, तो वो अम्मी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मेरे ससुराल में जो मैं बनाती हूँ, तो गोल गोल जो होते हैं ना, गाढ़ा बहुत ज़्यादा थिक बैटर होता है, तो वो वाली बनाती हूँ, और उनको भी उन लोगों को जो आलू होता है उसमें जो ना पूरी कोटिंग होती है, उनको अच्छा लगता है, तो वो मैं वहाँ पर उस तरह बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह पसंद है, तो मैं यहाँ पर इस तरह बना रही हूँ। बस ये भी हो गए प्याज वाले पकौड़े, अब मैं अम्मी को और बच्चों को और नेहा को सबको सर्व करती हूँ। रमजान की याद आ गई, रमजान को अब जाके खाए इतने मजे के बने हैं, बताओ। आज आप ना प्याज वाले भी खा के ट्राई बोल रही हूँ, प्याज वाले भी बहुत मज़े के बने, इतने क्रंची हैं प्याज वाले। हाँ सही है, चलो अब नानों को भी देते हैं, सबको देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पकौड़े सबने खा लिए हैं, और बहुत मज़े के पकौड़े बने थे, रमज़ान की याद आ गई बिल्कुल। अब पकौड़े के बाद कुछ मीठा का दिल चाह रहा है, तो मैंने प्रिंस निकाला है, प्रिंस बिस्किट, मैं प्रिंस खा रही हूँ, तो देखें। बस आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी, इंशाल्लाह कल नई वीडियो लेकर आऊँगी। रात के खाने की वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी उंगली कट गई है, तो उसकी आराम से वीडियो बना के एडिटिंग करके फिर आपको वो रेसिपी मैं कल इंशाल्लाह कल या परसों में शेयर करूँगी। तो आज मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे पकौड़े बनाते हैं, और रमज़ान के बाद आप लोगों ने पकौड़े बनाए या नहीं बनाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।